तो दोस्तों नमस्कार, आरती ब्रीड फूड चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज आप लोगों को दिखाएंगे सेमल के फूल। तो देखिए वो सेमला का पेड़ लगा हुआ है, उसमें के जो है पिछले साल के फूल रखे हुए हैं हमारे यहाँ। तो अभी वो आप लोगों को दिखाऊँगी। देखिए ये सेमल के फूल के माला बनाकर हमने रख लिए थे, तो इनकी सब्जी हम आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी कैसे और किस तरीके से बनती है। सेमल के फूल हैं तो हमने सेमल के फूल सुखा कर रख लिए हैं, और ये सेमल के सूखे फूल की सब्जी हम बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे और किस तरीके से बनती है। और हाँ, ये सेमल के फूल की सब्जी हम बनाएंगे तो इनको पानी में 2-3 घंटा भिगो देंगे, तब इसकी सब्जी बनाएंगे। और आज हम नहीं इसकी सब्जी बनाएंगे, जब हम सब्जी बनाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे बनाकर और कैसे और किस तरीके से बनती है। सिलेंडर ये रखा हुआ है, और ये पाइप जो है सिलेंडर से हमने रसोई में अंदर निकाल लिए हैं, और जो चूल्हा है रसोई में रखा हुआ है। तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए इस तरीके से हमने पाइप निकाल लिए हैं, चूल्हा रखा हुआ है और ये डब्बे रखे हुए हैं। लॉकडाउन के समय में चना कोटे में मिलते हैं, तो हमारे यहाँ भुर्जी रहते हैं और वो भूंजते हैं, तो हमारी दादी जी जो हैं वो चना भुंजाने गई थी, तो चना भुंजा कर ले आई हैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए चना भुंजा लाई हैं। ये चना खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में बहुत अच्छे स्वादिष्ट लगते हैं। देखिए इस जो अच्छी तरीके से भुन गए हैं उन पे का छिकला नहीं है, बहुत अच्छे भुने हुए हैं। सेमल के फूल की जब सब्जी बनाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।